डिप्टी सीएम एक दिवसीय दौरे पर अपने गृह विधानसभा कटिहार हैं, जहां उन्होंने शराबबंदी कानून को बिहार में सख्ती से लागू करने की बात कही। उन्होंने बीजेपी के दो विधायक द्वारा शराबबंदी कानून की समीक्षा वाले मसले पर कहा कि वो इस कानून के पक्ष में हैं और इस कानून को धरातल पर उतारने की बात कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे कटिहार संवाददाता रितेश रंजन ने। शराबबंदी को लेकर सरकार फुल एक्शन में, और कल ही मद निषेध दिवस के अवसर पर सूबे के तमाम पदाधिकारियों से लेकर राजनेताओं ने जो है शपथ लिया है। लेकिन बीजेपी के कुछ विधायक ऐसे हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रहते, वो शराब कानूनबंदी की समीक्षा की बात कह रहे हैं कि दो बीजेपी के दो MLA हैं, ऐसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भाजपा के दो माननीय विधायक हैं जिन्होंने कुछ बातें कही है वो भी शराबबंदी के पक्ष में हैं और पार्टी और सरकार के एजेंडे के साथ हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो बातें कही है वो विषय उस स्वरूप में मीडिया में नहीं आ पाया, इसलिए ये कन्फ्यूजन हुआ। उन दोनों विधायकों से भी हमारी बात हुई है, वो लोग भी सरकार के द्वारा जो नशाबंदी अभियान है, जो कानून बने हैं, उस कानून के पक्षधर हैं और सरकार के साथ हैं। और इस कानून को तोड़ने में जो कई हमारे विरोधी और कई इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं जिस तरह के कानून को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उस कानून के तोड़ने के कारण जो परेशानी हो रही है उस पर उन्होंने अपनी कुछ बातें कही थी। उनका भी कहना है कि इस कानून को पूरे मजबूती से लागू किया जाए। सर, संविधान दिवस था कल, लोकतंत्र में परिवारवाद को खतरा बताया देश के प्रधानमंत्री। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश में परिवारवाद अपने आप में खतरा है। आप देख ही रहे हैं कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो परिवारवाद के सहारे सत्ता पर कभी कभी लगात काबिज भी हुए हैं, हटे भी हैं, और भारत ऐसे देश में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो समर्पण भाव से इस देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो NDA है, हम सब हमेशा देश और राज्य हमारे सामने सर्वोपरि है, परिवार कभी सर्वोपरि नहीं रहा। चाहे हमारे माननीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे श्री नीतीश कुमार जी हों, इन्होंने कभी भी परिवार या परिवारवाद को तरजीह नहीं दिया। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में और यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में आज इनकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसे हमारे साथ बिहार के डिप्टी CM श्री तारकिशोर प्रसाद, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीजेपी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के दो MLA जो अपनी बात कह रहे हैं शराब कानून की समीक्षा के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मीडिया में उस बात का अलग अर्थ लगाया गया, कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरह से शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के पक्ष में हैं।